ब्लॉक इज प्रेस्ड अगेंस्ट वॉल बाय ए फोर्स ऑफ 20 न्यूटन फाइंड एक्सलरेशन ऑफ ब्लॉक एंड फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग ऑन इट ठीक है एक ब्लॉक है जिसका मास 2 के का है इसको वॉल पर प्रेस करके रखा गया विद द हेल्प ऑफ ट्वेंटी न्यूटन फोर्स ठीक है एंड द कॉफिशियंट ऑफ स्टेटिक फ्रिक्शन ऑन दिस वाल इज न्यू एस इक्वल टू जीरो पॉइंट एट एंड कॉफिशियंट ऑफ कनेटिक फ्रिक्शन इज जीरो पॉइंट सिक्स ठीक है सो वी हैव टू फाइंड आउट द एक्सलेशन ऑफ ब्लॉक एंड द फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग ऑन इट ठीक है सो कैसे निकालेंगे सो so, आइए इसको समझते हैं क्वेश्चन सिंपल है बट बेसिक कंसेप्ट है इसको सॉल्व करने के लिए पता होना चाहिए सो देखिए फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है अगर मान लीजिए कोई ब्लॉक अगर हॉर्जोटल सर्फेस पर प्लेस्ड है ठीक है नॉर्मल रिएक्शन इसका ऊपर की तरफ एन है ठीक है सो फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू क्या होता है इट इज एफ इक्वल टू म्यू एन ठीक है अगर स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स की बात करेंगे तो एफ स्टैटिक हो जाएगा म्यू स्टैटिक इंटू एन और काइनेटिक फ्रिक्शन की बात करेंगे तो एफ काइनेटिक इक्वल टू म्यू काइनेटिक इंटू नॉर्मल रिएक्शन ठीक है नॉर्मल रिएक्शन डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट हो सकता है क्योंकि ये डिपेंड करता है कि और कौन कौन सा फोर्स बॉडी पे लग रहा है बॉडी का पोजीशन क्या है किस पोजीशन में इसको रखा गया है ठीक है ठीक है फोर्स किस डायरेक्शन से लगाया गया ये सब चीज़ों पर नॉर्मल रिएक्शन डिपेंड करता है ठीक है सो so, देखिए यहाँ पर हम लोगों ने ट्वेंटी न्यूटन का फोर्स लगाया ठीक है इस बॉडी पर सो so, 20 न्यूटन डिस डायरेक्शन में सो नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा इस पर नॉर्मल रिएक्शन रिवर्स डायरेक्शन में लगेगा ये वाल लगाएगा इसके ऊपर ठीक है सो लेट्स दिस इज़ आर है ना यहाँ पे एन लिखा हुआ है न्यूटन इसलिए हम यहाँ पर आर ले ले रहे हैं नॉर्मल रिएक्शन ठीक है अब देखिए इसका वेट डाउनवर्ड क्या होगा एम होगा ठीक है फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शन अब ये स्लाइड करेगा अगर मान लीजिए नीचे की तरफ तो टेंडेंसी होगा फ्रिक्शन फोर्स का ऊपर की तरफ ठीक है और इस फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू होगा एफ इक्वल टू म्यू इंटू एन सॉरी म्यू इंटू आर ठीक है क्योंकि हम लोग नॉर्मल रिएक्शन आ लिए हैं ठीक है सो सबसे पहले हॉर्जेंटल फोर्स को बैलेंस कर लीजिए एक्स और वाई डायरेक्शन में हॉर्जेंटल एक्स में इस डायरेक्शन में सर ट्वेंटी न्यूटन आर हो जाएगा आर का वैल्यू क्या हो जाएगा ट्वेंटी न्यूटन ठीक है ये हमारे पास नॉर्मल रिएक्शन आ गया अब फ्रिक्शन फोर्स दो तरह का होगा सो so, सबसे पहले देखिए अगर इस ब्लॉक को स्लाइड नहीं करना है नीचे की तरफ तो so, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा उसके लिए हमें स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू निकालना पड़ेगा अगर स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू इस एम से ज्यादा है लिख देता हूँ यहां पर इफ एफ स्टैटिक इज ग्रेटर देन एम जी ग्रेटर देन इक्वल टू भी हो सकता है क्योंकि अगर बैलेंस रहेगा तो भी स्लाइड नहीं करेगा ठीक है अगर ये एफ स्टैटिक मीन्स ऊपर का फिक्शन और नीचे का इसका वेट दोनों बैलेंस रहेगा जस्ट इक्वल तो भी स्लाइड नहीं होगा और इस एफ का वैल्यू अगर एम से ज्यादा हो जाएगा तो भी स्लाइड नहीं होगा सो एफ एस इज ग्रेटर देन इक्वल टू एम है सो so स्लाइड नहीं होगा सो so, सबसे पहले आप एम का वैल्यू निकालो एम कितना हो जाएगा टू इंटू जी सो जी का वैल्यू टेन लीजिए ये ट्वेंटी न्यूटन हो जाएगा ठीक है सिमिलरली एफ स्टैटिक का वैल्यू निकालिए एफ स्टैटिक हो जाएगा म्यू स्टैटिक इंटू आर और आर का वैल्यू हम लोगों ने ट्वेंटी निकाला है और न्यू स्टैटिक है देखिए पॉइंट एट सो इट इज जीरो पॉइंट एट इन आर का वैल्यू ट्वेंटी सो so, ये कितना आ गया सिक्सटीन न्यूटन ठीक है सिक्सटीन न्यूटन सो देख लीजिए ये सिक्सटीन न्यूटन है सो डैट मीन्स क्या होगा कि एफ एस यहाँ पर क्या आ रहा है हमारे पास एफ एस जो है ये लेस देन एम जी आ रहा है सो डैट मीन्स क्या होगा ब्लॉक विल ब्लॉक विल स्लाइड ये हम लोगों ने चेक कर लिया ब्लॉक विल स्लाइड ठीक है ये हम लोगों ने चेक कर लिया सो स्लाइडिंग होगा सो स्लाइडिंग होगा तो उसके बाद क्या होगा ये स्टैटिक फिक्सन फोर्स का यूज खत्म हो गया क्योंकि स्लाइडिंग हो रहा है हमने चेक कर लिया कि स्लाइडिंग हो गया होगा या नहीं होगा स्लाइडिंग हो रहा है सो एफ स्टैटिक का यूज नहीं होगा देन फिर हम लोग निकालेंगे एफ काइनेटिक सो एफ काइनेटिक हो जाएगा म्यू काइनेटिक इंटू आर ओके सो इसका वैल्यू हो जाएगा जीरो पॉइंट सिक्स इंटू ट्वेंटी डैट मीन इक्वल टू ट्वेल्व न्यूटन ठीक है क्लियर है ट्वेल्व न्यूटन आप देख लीजिए अब अगर निकालना है आपको एक्सलेशन ऑफ द ब्लॉक सो इसका स्लाइडिंग होगा सो स्लाइडिंग होगा तो नीचे की तरफ फोर्स हो गया एम ठीक है नीचे की तरफ फोर्स एम हो गया ठीक है इस ब्लॉक पर ठीक है और ऊपर की तरफ क्या हो जाएगा एफ काइनेटिक जब स्लाइडिंग होगा तो मान लीजिए इसका एक्सलेशन ए है सो so इक्वेशन क्या बन जाएगा लोअर फोर्स डाउनवर्ड फोर्स डैट इज एम जी माइनस एफ काइनेटिक इक्वल टू मास इन टू एक्सलरेशन ठीक है सो शन का वैल्यू हमारे पास आ जाएगा एम जी माइनस एफ काइनेटिक डिवाइड बाई मास सो का वैल्यू हम लोगों ने निकाल लिया ऑलरेडी ट्वेंटी होगा ये माइनस एफ काइनेटिक ट्वेल्व हो जाएगा डिवाइड बाई एम सो एम कितना था टू टू के जी सो देखिए कितना आ गया एट बाई टू डेट मीनस फोर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये इसका एक्सलेशन हो जाएगा ब्लॉक का ठीक है और फ्रिक्शन फोर्स पूछेगा कितना होगा सो स्लाइडिंग हो रहा है तो जो काइनेटिक फ्रिक्शन होगा यही इसका आंसर होगा ठीक है सो फ्रिक्शन फोर्स क्या हो जाएगा इसमें फ्रिक्शन फोर्स इक्वल टू ट्वेल्व न्यूटन ये इसका आंसर होगा फ्रिक्शन फोर्स का ठीक है और एक्सलेशन का आंसर ये वाला होगा ठीक है लेकिन अगर देखिए इसमें अगर म्यू स्टैटिक का वैल्यू मैं चेंज कर दूं लेट से म्यू स्टैटिक का वैल्यू अगर मैं कर दूं म्यू स्टैटिक का वैल्यू चेंज नहीं करते हैं क्योंकि म्यू स्टैटिक का वैल्यू अगर मैं पॉइंट नाइन भी लूंगा तो ये पॉइंट नाइन इंटू ट्वेंटी क्या हो जाएगा एटीन न्यूटन ही होगा और उसके इसमें भी ये ट्वेंटी नीचे ज़्यादा होगा तो ये स्लाइडिंग होगा ठीक है हम लोग इसका वेट को कर say, is, इस sorry, चेंज कर देते हैं ठीक है लेट से वेट इज़ इस तरह से देख लीजिए वेट का वैल्यू हम लोग सॉरी मास का वैल्यू हम लोग चेंज कर देते हैं मास का वैल्यू हम लोग वन के ले लेते हैं सिंपल हो गया सो वन के अगर रहेगा मास तो नीचे की तरफ क्या हो जाएगा वन इन जी सो टेन न्यूटन डाउनवर्ड फोर्स हो जाएगा ठीक है और इस केस में एफ स्टैटिक देखिए ऊपर की तरफ जो लगेगा ये आपके पास आ जाएगा वन एट इंटू ट्वेंटी दैट इज ट्वेंटी दैट इज सिक्सटीन न्यूटन ठीक है सिक्सटीन न्यूटन होगा ठीक है सो एफ स्टैटिक का वैल्यू यहाँ पर इससे ज़्यादा हो रहा है मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ एफ स्टैटिक इज ग्रेटर देन वेट है ना वेट दैट इज इक्वल टू एम जी इससे ज़्यादा है ठीक है सिक्सटीन है और ये टेन है सो स्लाइडिंग नॉट पॉसिबल स्लाइडिंग स्लाइडिंग नॉट पॉसिबल ठीक है सो so, स्लाइडिंग अगर पॉसिबल नहीं है सो एक्सलेशन ऑफ ब्लॉक क्या हो जाएगा एक्सलेशन इक्वल टू जीरो जीरो मीटर पर सेकंड स्क्वायर मीस जीरो ठीक है एक्सलेशन जीरो स्लाइडिंग हो ही नहीं रहा है सो so, अब क्या होगा अब क्या इसका स्टैट हम लोग फ्रिक्शन फोर्स क्या सिक्सटीन न्यूटन लेंगे नहीं फ्रिक्शन फोर्स अगर यहाँ पर सिक्सटीन न्यूटन लिखेगा तब तो ये रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि सिक्सटीन लिखिएगा सो तो इसको ऊपर की तरफ स्लाइड कर देना चाहिए लेकिन फ्रिक्शन फोर्स का यूज तभी है जब उसका मोशन होगा ठीक है ये आपको देखना पड़ेगा फ्रिक्शन फोर्स और खासकर जो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स है ये एडजस्टेबल होता है हमेशा ये एडजस्टेबल फोर्स इसको हम लोग बोलते हैं ठीक है ये डिपेंड करता है कि बॉडी पर एक्सटर्नल फोर्स कितना लग रहा है सो so, यहाँ पर देखिए टेन न्यूटन इसे फोर्स लग रहा है डाउनवर्ड ठीक है और ये स्लाइडिंग नहीं कर रहा है तो जब स्लाइडिंग नहीं कर रहा है तो ऊपर वाला फोर्स बैलेंस होना चाहिए डैट मीन्स जो फ्रिक्शन फोर्स होगा फ्रिक्शन फोर्स फ्रिक्शन फोर्स इस केस में डैट विल बी एडजस्टेड टू टेन न्यूटन ऑनली ठीक है ये टेन सॉरी टेन न्यूटन इसका आंसर होगा ठीक है याद रखिएगा ठीक है स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स ये अपने आपको एडजस्ट कर लेगा ठीक है मैक्सिमम पॉसिबल है मैक्सिमम पॉसिबल दिस वन ये लिमिटिंग केस होता है सोलह न्यूटन सिक्सटीन न्यूटन ठीक है बट ये इसके नीचे भी अपने आप को एडजस्ट कर सकता है बॉडी को बैलेंस करने के लिए ठीक है so, सो यहां पर जो फ्रिक्शन फोर्स का आंसर होगा दैट इज टेन न्यूटन ठीक है याद रखिएगा और एक्सलेशन जीरो ठीक है और इसी तरह से अगर मान लीजिए ये वेट अगर डाउनवर्ड अगर हो जाता 16 न्यूटन मान लीजिए एकदम इक्वल ठीक है तो एक्सलेशन का वैल्यू उस केस में जीरो होता है लेकिन फिक्शन फोर्स 16 आता है ठीक है क्योंकि उस केस में ये 16 नीचे वाले 16 को बैलेंस कर लेता है सो फिक्सन फोर्स का वैल्यू 16 न्यूटन होता है ठीक है बेसिक कंसेप्ट है फ्रिक्शन का लेकिन बहुत ही यूजफुल कंसेप्ट है